महंत नरेंद्र गिरी की मौत के साथ कई राज दफन हो गए, कई सवाल भी पैदा हुए हैं। ऐसा ही एक सवाल एक और मुद्दे पर है, मुद्दा वसीयत का, मुद्दा उत्तराधिकार का। यहाँ एक तारीख बेहद अहम है, 2 जून 2020, जिस दिन महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से जारी की गई वसीयत सामने आई थी। इसमें एक नाम का जिक्र था, बलवीर गिरी, जिन्हें उत्तराधिकारी बताया गया था। यह भी कहा जाता है कि 7 पन्ने की ये वसीयत रजिस्टर्ड है। इस वसीयत के आधार पर बलवीर गिरी को महंत बनाया जाना चाहिए, लेकिन पूरा मामला यहीं पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इस वसीयत में 2 बार बदलाव किया जा चुका है। आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बस इंडिया। इस मुद्दे पर निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने अपनी राय दी है। उनका कहना है कि वसीयत लिखी गई है तो अखाड़े को इस बात पर आपत्ति नहीं है कि बलवीर गिरी को मठ का उत्तराधिकारी चुना जाए, बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो मठ की संपत्ति और जमीनों की रक्षा करें, उनका दुरुपयोग न किया जाए। ये वसीयत सबसे पहले 7 जनवरी 2010 में सामने आई थी। इसमें बलवीर गिरी को उत्तराधिकारी बताया गया था। 29 अगस्त 2011 को इसमें बदलाव हुआ और आनंद गिरी को उत्तराधिकारी बनाया गया। 2 जून 2020 को एक बार फिर वसीयत में बदलाव किया गया। इस बार वसीयत का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया गया। इसमें एक बार फिर बलवीर गिरी को उत्तराधिकार सौंपा गया। कुल मिलाकर जिस तरह महंत नरेंद्र गिरी की मृत्यु का मामला उलझता जा रहा है, ठीक वैसे ही वसीयत का मामला पहले ही उलझा हुआ है। अब सवाल यह है कि महंत नरेंद्र गिरी ने वसीयत में लिखा क्या है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, मेरे ब्रह्मलीन होने या स्वेच्छा से पद का त्याग करने पर मठ बाघंबरी गद्दी प्रयागराज के महंत स्वामी बलवीर गिरी होंगे और मेरी सभी चल अचल संपत्ति के मालिक होंगे। मठ बाघंबरी गद्दी की प्राचीन परंपरा के अनुसार आज यानी 2 जून 2020 को ही एक नई कार्यकारिणी मंडल को नामित करके पंजीकृत कराया है। इस मंडल की राय और स्वीकृति से बलवीर गिरी सारे कार्य संपन्न कराएंगे। वो ऐसा करने के लिए बाध्य होंगे। हर निर्णय कार्यकारिणी मंडल के बहुमत से ही लिया जाएगा। इसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी ने यह भी लिखा कि ये उनकी तीसरी और अंतिम वसीयत है। 7 जनवरी 2010 और 29 अगस्त 2011 की वसीयत को निरस्त माना जाए। पूरी बात का मजमून इतना ही था कि नरेंद्र गिरी की अंतिम वसीयत थी और ये उनकी मृत्यु की तिथि से प्रभावी होगी। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट श्रवण त्रिपाठी के मुताबिक CBI जांच में अगर बलवीर दोषी पाए जाते हैं तो उनका उत्तराधिकार का दावा खुद ब खुद खारिज हो जाएगा। सिर्फ आरोपों के आधार पर रजिस्टर्ड वसीयत नामे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कानूनी आधार पर बलवीर को उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मामले पर निरंजनी अखाड़ा का नज़रिया साफ है कि उनका उत्तराधिकार को लेकर कोई विवाद नहीं है। अखाड़े में उत्तराधिकार को लेकर कुछ शर्तें और दिशा निर्देश होते हैं जिसका पालन करने के लिए आप बाध्य होते हैं। इसमें सबसे अहम शर्त है कि मठ मंदिर अखाड़े की जमीन और संपत्ति की सुरक्षा की जाए। यानी अखाड़े का पक्ष भी साफ है कि वसीयतनामे में लिखी गई बात ही मानी जाएगी। इन बातों से उत्तराधिकार की स्थिति साफ नहीं होती है। देखते हैं वसीयत और मौत पर तस्वीर कब तक साफ होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।